और अब बात बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह की, जिन्होंने मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी तो पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन लगता है उन्होंने कोई सबक नहीं लिया क्योंकि एक बार फिर से बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, पालतू जानवर से तुलना की, मैनपुरी की सभा में यह बयान दिया, लेकिन जब मीडिया ने उन्हें उनके इस बयान पर घेरा तो देखिए कैसे उन्होंने अपने बयान से वो पलट गए। कहते हैं बुरी आदतें आसानी से पीछा नहीं छोड़ती और ये कहावत बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह पर 12 आने से ही साबित हो गई। वो पुरानी वजहों से एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भी उनकी बदजुबानी का शिकार दूसरा कोई और नहीं बल्कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही हुई, और वो भी लगातार दूसरी बार। इस बार दयाशंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो की तुलना एक जानवर से कर दी। हम आपको बयान जस के तस नहीं सुना सकते। अभी हाल ही में मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक बोल की वजह से दयाशंकर सिंह बीजेपी से निलंबित कर दिए गए थे, फिर गिरफ्तार होकर जेल की हवा तक खाई, पर लगता है कि नेताजी पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर पुरानी हरकत दोहरा दी, पर जब सियासत की स्टेज से उतरकर धरातल पर पैर रखा तो बयान से मुकर गए। कहते गए इस बार तो सिर्फ उदाहरण दे रहा था, पर मायावती ने तो उनकी तुलना जानवर से करते हुए पोस्टर तक छपवा दी थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब दयाशंकर सिंह बनाम मायावती विवाद सुर्खियां बनी थी। दयाशंकर ने बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद तो जैसे बदजुबानी करने की होड़ सी लग गई। जवाब में बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर दयाशंकर की बेटी और मां के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियों का आरोप लगा। अब इसी फहरिस्त में दयाशंकर सिंह ने बदजुबानी कर विवाद को फिर भड़का दिया। दयाशंकर सिंह फिलहाल बेल पर बाहर है। अब देखना है कि उनकी ताजी ताजी हरकत क्या गुल खिलाती है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ बालकृष्ण, आज तक।